टू आई जी एम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम जानेंगे अहमदाबाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के बारे में, जो कि दोस्तों यहां पर सेट पेपर होगा। इसी के दोस्तों आधार पर आपको ग्रुप डी या फिर लोको पायलट या फिर अन्य रेलवे परीक्षाएं इसी मॉडल पर आधारित होंगी। दोस्तों इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें 100 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको पता है कि इस बार ग्रुप डी और लोको पायलट में जनरल साइंस ज़्यादा से आपको दोस्तों इस सेट से आप ये सेट आप लगाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जान लेते हैं, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है। दोस्तों आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं हमारे राकेश शर्मा। दोस्तों आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जनरल साइंस और 50 क्वेश्चन तुम्हारा GK, 50 क्वेश्चन आपका रीत, 50 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का इसमें शामिल होगा। दोस्तों आप जरूर ही इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में लेके आप लोग सेट पेपर लगाइएगा, आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ATM का विस्तार रूप है। दोस्तों ATM का विस्तार रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर हमारा C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई का पूरा विस्तार है। दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर, तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। दोस्तों जो मारुति 800 कार होती है, उस कार के सिलेंडरों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें आंसर दिया है 3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कॉटन कहा जाता है। दोस्तों ब्लैक कॉटन किसको कहा जाता है, हमारा कपड़े को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, NPA का विस्तार रूप क्या है। दोस्तों NPA का हमारा फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, में यूज होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों जो वर्धा आंदोलन है, ये हमारा महात्मा गांधी जी से संबंधित है, इन्होंने ये चलाया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा B। वर्धा आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CV का विस्तार रूप है। दोस्तों CV का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो दोस्तों CV का फुल फॉर्म हमारा होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश SAARC में शामिल नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि SAARC में इसमें ऑप्शन में भूटान, मालदीप और श्रीलंका शामिल है, एक देश है म्यांमार जो इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा A। दोस्तों आपको यहाँ पर A आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HIV संबंधित है। दोस्तों HIV हमारा किस संबंधित है, एड्स संबंधित। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होता है जो क्या है हमारा। दोस्तों ये प्रकाश वर्ष हमारा क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। ठीक है, लाइट हमारा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि दोस्तों हवाई जहाज में हमारी से जो फाउंटेन पेन रख हम जिम में रखते हैं, ऊपर ले जाते हैं हवाई जहाज में अगर, तो हमारा वायुदाब होता है जो ऊंचाई बढ़ने में वायुदाब में कमी होती है, जो अगर ऊंचाई बढ़ती है तो वायुदाब में कमी महसूस होती है। ठीक है, या कमी होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा A। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों ये बताना है हमें 2004 के हिसाब से, तो हमारा आंसर हो जाएगा RS लाहौड़ी। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा हमारा B। लेकिन हमारे जो वर्तमान में अभी करेंट की बात करें तो दीपक मिश्रा जी हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 100 रुपये के नोट पर हमारे RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड होता है, ये हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना निम्न लिखित में से कहाँ स्थापित कहाँ पाया गया। दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आना चाहिए था कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो वो हमारा जामनगर है प्राइवेट का, कोई सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, ये रिलायंस कंपनी का है जो भारत की आपको पता है सबसे बड़ी कंपनी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिन कोड 38002 किस क्षेत्र को निर्देशित करती है। दोस्तों ये बताना है हमें किस क्षेत्र को निर्देशित करती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइगर वुड्स, जो हमारा टाइगर वुड्स
किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जो टाइगर वुड्स खिलाड़ी हैं ये हमारे कौन सा खेल खेलते हैं? गोल्फ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। हमारा सानिया मिर्जा संबंधित है दोस्तों, सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं आपको पता होगा, ये हमारे टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलिब्रम संबंधित है दोस्तों, सेलिब्रम क्या होता है? ये हमारा मस्तिष्क का भाग होता है, आपको पता होगा अग्र पक्ष और पक्षपाश होती है हमारे दो भाग मस्तिष्क में, तो ये सेलिब्रम वही है। ठीक है, तो हमारा ये मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलेश्वर अवस्थित है दोस्तों, महाबलेश्वर हमारा कहाँ अवस्थित है? ये हमारा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अयप्पा का मंदिर अवस्थित है दोस्तों, जो अयप्पा है इसका मंदिर है बताना है कहाँ अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है, अयप्पा का मंदिर हमारा केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आ रेड लेटर डे का अर्थ होता है दोस्तों, आ रेड लेटर डे का अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण दिवस, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंजाब के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो बताना है हमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंधु। ठीक है, इसमें आंसर सिंधु दिया गया है, लेकिन हमें इस पर कन्फ्यूजिंग है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिने दिन निदान किस देश से संबंधित है दोस्तों, जिने दिन निदान हमारा किस देश से संबंधित है? 25 का आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलेक्सिया संबंधित है दोस्तों, डायलेक्सिया क्या है हमारा? हमारा बीमेल अक्षरों को पढ़ाने में कठिनाई है। ठीक है, ये हमारा डायलेक्सिया संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है ये किस शहर से गुजरती है बताना है हमें, तो इलाहाबाद हो जाएगा हमारा। इलाहाबाद किस शहर? इलाहाबाद के पास एक नैनी स्थान है, यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा ये उत्तराखंड में है, देहरादून में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 28 का डी। थे इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, आपको पता हो तो आप इसका आंसर दीजिएगा, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? जो हम्पी है दोस्तों आपको पता होगा ये हमारी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये हमारी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो ये हमारी कर्नाटक राज्य में है हम्पी का खुला संग्रहालय, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। दोस्तों आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने हरियर और बुक्का ने की थी, ये आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका PDF लिंक 200 क्वेश्चन होंगे उसमें मिल जाएगा, आप लोग वो सेट पेपर लगाइएगा, इस ऐसा ही आपकी का सेट पेपर आपको इसी लेवल का आएगा जो मैंने बताया है आपको कि इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, आप लोग लगा के देखिएगा एक बार, आपको जरूरत दोस्तों। और जो व्यक्ति चैनल पर नया है मैं उससे करूँगा गुजारिश कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में और अन्य जगह। दोस्तों ऐसी ही वीडियो यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।